रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों यात्री अयोध्या जाना चाहते हैं और यात्रियों का तांता लगना शुरू हो चुका है। रोजाना हजारों यात्री अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी लाखों ऐसे यात्री हैं जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं और इसके लिए रेलवे की तरफ से 4 खसूसी ट्रेनें चलाने का एहतमाम किया गया है। ये 4 ट्रेनें 30 जनवरी से 7 फरवरी तक चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन 30 जनवरी को श्री माता वैष्णो देवी कटरा अयोध्या कैंट तक चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन 2 फरवरी को शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन से चलेगी। इसी तरह से 6 फरवरी को जम्मू तवी से एक खसूसी ट्रेन अयोध्या के लिए चलाई जाएगी और 7 फरवरी को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से एक और ट्रेन चलेगी। जितने भी यात्री यहाँ से हैं, जम्मू कश्मीर से जो यात्री अयोध्या जाना चाहते हैं, जो नॉर्मल ट्रेन चल रही हैं, चाहे वो कटरा रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें, यहाँ से जो रेल में जो यात्री सफ़र करते हैं वो अयोध्या धाम तो पहुँचेंगे ही, लेकिन खसूसी ट्रेनें इसलिए चलाई जा रही हैं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और ये यात्रियों के लिए भारत सरकार और रेलवे की तरफ से एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18।